ज ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस थियोरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर सबसे पहली थ्योरी जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच वॉज गिवन बायट रूम दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थियोरीज वेन इट कम्स टू मोटिवेशनल स्टडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही फैसिनेटेड थ्योरी है एंड मेरे हिसाब से ये एक थ्योरी ऐसी है जो एक्चुअली में स्टडी करती है कि इंसान अपना बिहेवियर किस तरह से डायरेक्ट करता है अपने एफर्ट्स किस तरह से डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स थिंग्स दैट मोटिवेट देम एंड हम जो उनको रिवॉर्ड्स देते हैं वो रिवॉर्ड्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है अपने वर्कर्स को अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए दैट इज द रीजन इट इट फील्स लाइक द मोस्ट प्रैगमेटिक थ्योरी टू मी एंड इट इज वन थ्योरी दैट आई पर्सनली सब्सक्राइब टू इन माई इन माई प्रोफेशनल लाइफ इज वेल so uh, expectancy theory of motivation this was propounded by victor vroom it is based on the idea that the work effort is directed towards behavior that people believe will lead to desired outcomes matlab ki ye theory aisa kehti hai ya is idea ke upar based hai ki log apna effort us direction mein lagate hain जहां पे उन्हें लगता है कि हमें हमारा काम करने से हमारे एफर्ट डालने से ना ना सिर्फ हम अपने आउटकम्स को अचीव कर पाएंगे और हमारे जो आउटकम्स होते हैं उससे हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे हर हमारे हमारे एक वर्कर सोचता है कि अगर मैं इतना एफर्ट डालूंगा तो क्या मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगा क्या मैं अपना काम कर पाऊंगा क्या मैं जो भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया हुआ है मेरा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिया हुआ है क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा वो खुद से अपनी एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि कितनी मेहनत करेंगे तो हम कितना रिजल्ट पाएंगे। आप 100 यूनिट बेचिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करके 100 यूनिट्स की जगह 120 यूनिट बेच दी मैंने अपनी टारगेट uh, से बियॉन्ड 20 परसेंट बियॉन्ड मैंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया बट अगर मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा or it will it uh, give me something which is uh, uh, more than my desired outcomes so they also develop expectations about whether performance will lead to desired outcome whether they, whether their performance will be appreciated or uh, will they get something the, for their efforts the workers they usually direct their efforts towards outcomes that help them to fulfill their needs Now, अगर आप अपने आप 100 यूनिट्स की जगह तो वीलो रिकेशन देंगे, देंगे तो वर्कर्स लिटल मोर एफर्ट सो दैट वी कैन गो बियड इज एक्सड सोटकम्स नीड्स नाउ थ्योरी इसलिए भी इस थ्योरी को काफी किया जाता है बिकॉज दिसोरी एज्यूम्स

मुझे जो भी चीज अपने करियर के अंदर चाहता हूं उसको अचीव करने के लिए मुझे कितना एफर्ट और डालना पड़ेगा उसके बारे में वो सोचते हैं एंड हाउ मच द मीन टू देम बिफोर दे परफॉर्म परफॉर्म मतलब की, ना सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि जो रिवॉर्ड हमें प्रॉमिस किया जा रहा है या फिर जो रिवॉर्ड की हमें चाहत दिखाई जा रही है वो रिवॉर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है फॉर so एग्जाम्पल अगर आपका कंपनी का मैनेजर आपको बोलता है कि आठ घंटे काम करोगे तो आपको आपकी बेसिक पगार मिलेगी बट अगर आप आठ घंटे की जगह अगर दस घंटे काम करोगे तो मैं आपको पगार के साथ साथ एक सर्टिफिकेट दे दूंगा नाउ जो कोई एक वर्कर ऐसा होगा वो बोलेगा मैं इस सर्टिफिकेट का क्या करूँ यार मेरे को सर्टिफिकेट से कोई मेरा पेट थोड़ी ना भरना है या फिर सर्टिफिकेट से मेरा कोई घर थोड़ी चलना है मैं अपना आठ घंटा पगार लेके जाऊँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ मैं खुश रहूँ तो दैट वर्कर विल बी मोर जस्ट पुटिंग द बेसिक एफर्ट जिसमें घंटे की पगार ले सके वहीं पे कोई वर्कर अगर अगर जो मैनेजर है वो वर्कर्स को ये बोलता है कि अगर आप आठ घंटे की जगह दस घंटे काम करते हैं तो हम आपको बोनस देंगे ओवर टाइम देंगे ऐसा एम्प्लॉय हुआ जिसे घर पे पैसे की जरूरत है किसी भी कारण से उसे थोड़ा सा और पैसा चाहिए वो सोचेगा कि ठीक है साहब दो घंटा और काम कर लेता हूं दो घंटा और एफर्ट मारूंगा तो उसके बदले में सोच समझ के करते हैं हमें रिवॉर्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और जो रिवॉर्ड हमें प्रॉमिस किया गया है वो रिवॉर्ड हमारे लिए कितना कीमती है उसको भी वो लोग कंसिडर करते हैं एफर्ट डालने से पहले तो मैनेजर्स इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपना मोटिवेशन डिजाइन कर सकते हैं थोरी को और बारीकी से समझने के लिए चार इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हमें समझने ये चारों समझ थ्योरी तो बहुत इंस्टिक्टिव थल थ्योरी हम सब अपनी में इस को कहीं ना कहीं अपनाते हैं सो लेट इज इंपोर्टेंट दीज फोर इंपॉर्टेंट वेरियेबल्स दोस्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल आउटकम्स एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस तो सबसे पहले वी विल टॉक बोट फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल आउटकम्स उटकमेंस आपने जो अचीव किया एज रिजल्ट मतलब कि एक वर्कर ऐसा सोचता है कि अगर मैं मेरे से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो दट इज योर फर्स्ट लेवल आउटकम फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने वर्कर्स को बोलते हैं कि अगर आप आठ घंटे काम करोगे तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस हंड्रेड यूनिट्स ऑफ गुड्स

हो सकता है आपको डांट पड़े हो सकता है कि आपको एडमोनिश किया जाए, so, ये कि कि नेगेटिव रिवॉर्ड वो परफॉर्मेंस से वट इज इट यू गेट अ पॉजिटिव रिवॉर्ड और नेगेटिव रिवॉर्ड एंड ये आपके एफर्ट से क्या आपको फल मिला क्या आपको कर्म मिला ये इसके ऊपर है सो so, जो कुछ तरह के रिवॉर्ड होते हैं दे इंक्लूड पेरेस आपकी पगार बर, पगार बढ़ा दी जाए प्रमोशन मिल गया आपको मैनेजर से सुपरवाइजर uh, से मैनेजर मैनेजर से सी एफ ओस लेवल तक अगर आपको ले गए पीयर एक्सेप्टेंस आपके को वर्कर्स आपको आपको रिस्पेक्ट करते हैं बोलते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं बहुत मेहनती है यू यू डू डू अ फैंटास्टिक जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी जैसे जैसे आप अच्छा काम करते हैं कंपनी के अंदर आपकी जगह और भी मजबूत होती जाती है तो ये हुए फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल आउटकम्स एक और बार रिवाइज करवा दे, कर देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी फर्स्ट लेवल आउटकम इज कि आप जो एफर्ट डालते हैं

कि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालूं अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा और मेहनत करूं तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाएगी ना जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप जीरो अगर आप आठ घंटे काम करते हैं तो सौ यूनिट बना पाते हैं बट अगर आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सके दैट इफ यू पुट इन जस्ट टू मोर आवर्स अगर आप दो घंटा एक्स्ट्रा काम करें तो आप हंड्रेड यूनिट्स की जगह एक सौ बीस यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं यू कैन डू मच बियॉन्ड दैट तो दिस इज योर बिल्डिंग इन एक्सपेक्टेंसी कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और डालोगे तो यू विल अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस और अ बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अब ये जो वेरिएबल है एक्सपेक्टेंसी का जो वेरिएबल है इसको जब हम मेजर करते हैं तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम टू नाउ जीरो मतलब देर इज नो चांस दैट अ फर्स्ट लेवल आउटकम विल अकर आफ्टर योर बिहेवियर मतलब कि अगर आपके वर्कर्स को ऐसा लगता है हम कितनी भी मेहनत कर ले हम कितना भी एफर्ट डाल ले हम अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाएंगे स no क्योंकि हम कर ही नहीं सकते इसके बियॉन्ड हमारे में क्षमता ही नहीं है या फिर हमारे हमारे जो मशीनरी है वो इसके लायक नहीं है हमारे रिसोर्सिस लायक नहीं है सो so no दे एक्सपेक्ट दैट देर इज नो चांस दैट द फर्स्ट लेवल आउटकम विकर आफ्टर द बिहेवियर वही पे प्लस वन की तरफ ये होता है कि जब वर्कर्स को आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं दैट येस अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे अगर दो आर दो आवर्स एक्स्ट्रा पुट इन करेंगे तो वी विल बी एबल टू अचीव अ सुपीरियर परफॉर्मेंस तो दैट इज द सर्टेनिटी दैट अ पर्टिकुलर फर्स्ट लेवल आउटकम विल फॉलो अ बिहेवियर अगर हम मन लगा के काम करेंगे हम थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे तो हमारा फर्स्ट लेवल आउटकम जरूर हम अचीव कर पाएंगे हम जरूर अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे नेचुरली हर एक मैनेजर ये ट्राई करता है कि अपने वर्कर्स को जितना ज्यादा हो सके ये प्लस वन की तरफ लेके जाए द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन आप जितना भी वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं फिर रियल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जीरो से प्लस वन के बीच में रहता है सो दिस इज योर एक्सपेक्टेंसी वेरिएबल वेयर बाय वर्कर्स के अंदर आप ये बिलीव जगाते हैं दैट योर एफर्ट इट विल लीड टू अ परफॉर्मेंस योर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपके अंदर आप, आपकी मेहनत रंग लाएगी आपकी मेहनत से आप अच्छा काम कर पाएंगे एक अच्छी परफॉर्मेंस पर, 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 दे पाएंगे उसकी बात क्या एक्सपेक्टेंसी में हो रही है नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी नाउ इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब आपकी मेहनत का फायदा क्या नाउ इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट लेवल आउटकम्स आउटकम्स एंड द लेवल याद कीजिए हमने क्या बोला था फर्स्ट लेवल आउटकम मतलब आप जो एफर्ट डालते हो उससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो अब दैट सेकेंड लेवल आउटकम ये है कि आपने अगर अचीव कर लिया आपने एफर्ट डालने के बाद अपनी परफॉर्मेंस डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव कर लिया नहीं कर पाए तो उसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी वो वो उसका इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फर्स्ट लेवल आउटकम एंड सेकेंड लेवल आउटकम नाउ अगर वर्कर्स को ये बात रियलाइज हो अगर वर्कर्स को ये बात रियलाइज हो कि हम लोगों ने अगर मेहनत की हम लोगों ने अगर अच्छे से काम किया तो हमारा सेकंड लेवल आउटकम जरूर अनलॉक हो जाएगा फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने वर्कर्स को बोला कि अगर आपने दो घंटा एफर्ट और डाल दिया तो यू विल बी एबल टू अचीव 20 मोर यूनिट्स और उसके बदले में आई विल गिव यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो वर्कर्स ये अगर उनको लगता है उनको ये परसेप्शन आता है उनको ये फीलिंग आती है कि अगर हमने अचीव कर दिया तो हमारी कंपनी जेन्युन है हमारा बॉस जेन्य है और हमको जरूर हमें हम, हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा हमारे को हमारा फल मिलेगा सो इट विल बी प्लस वन वहीं पे अगर वर्कर्स को लगता है कि हम इसको अचीव नहीं कर पाए अगर हम अपने लेवल्स को अगर अचीव नहीं कर पाए तो इट इज लेस लाइकली कि हम अपना मतलब फर्स्ट लेवल आउटकम हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे सो so Uh, वहां पे वर्कर्स को माइनस वन की फीलिंग आती है दे फील या फिर वो अवॉइड करते हैं कि हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए वी डोंट वांट टू बी पनिश लेट अस सी दिस वेरिएबल्स वन बाय वन सो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए माइनस like, वन इस रेंज में होता है ये यूजुअली ये जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है दिस इज बिटवीन द रेंज ऑफ माइनस वन टू प्लस वन माइनस वन ये कहता है अटेनमेंट ऑफ अड्ड आउटकम सेकंडल आउटकम इज लेस लाइकलीफ अस्ट लेवल की अगर वर्कर कोई फीलिंग आती है कि भै, भै कितनी भी मेहनत कर लू मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने नहीं वाला मुझे कोई फायदा से होने नहीं वाला तो देट मोटिवेटेड केयर अबाउट दिस आउटकम एट ऑल या फिर अगर उसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम एबसेंट रहते हैं या अगर हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो दिस इज दिस विल बी माइनस वन प्लस वन जो है दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस वेरिएबल जहां पे द अटेनमेंट ऑफ अ सेकंड लेवल आउटकम इज मोर लाइकली इफ द फर्स्ट लेवल आउटकम हैज बीन अटेन मतलब कि अगर मेरे को कंपनी जो रिवॉर्ड प्रॉमिस uh, कर रही है मुझे पे रेस प्रॉमिस कर रही है मुझे प्रमोशन प्रॉमिस कर रही है मुझे सर्टिफिकेट मुझे ट्रॉफी मुझे रिकॉग्नाइजेशन प्रॉमिस कर रही है वो अचीव कर वो तो ही मैं कर पाऊंगा अगर मैं अपना फर्स्ट लेवल आउटकम अचीव करता हूं और जो मैं अपने एफर्ट से अचीव कर सकता हूं तो यहां पे वर्कर्स के अंदर एक बिलीफ आती है दैट इफ आई पुट इन माय एफर्ट्स आई विल बी एबल टू अचीव माय फर्स्ट लेवल आउटकम और ये करने के बाद इट इज बहुत स्ट्रांग चांस है दैट आई विल बी एबल टू अनलॉक माय सेकंड लेवल आउटकम इसीलिए जब भी हम अपना मोटिवेशनल प्लान बनाते हैं या कोई भी प्राइज वाली स्कीम या कोई भी कंपटीशन डिजाइन करते हैं वी ट्राई टू कीप इट एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल सो दैट वर्कर्स को लगे जी हाँ अगर मैंने मेहनत की तो मुझे मेरा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा ये जीरो होती no है कितना भी अगर मेहनत कर ले हमारे को ना कोई देख रहा है ना कोई पूछ रहा है और कोई फायदा नहीं होने वाला है कंपनी जिस तरह से चल रही है उस तरह से चलती रहेगी ना हमें पनिशमेंट मिलेगी ना हमको इनाम मिलेगा सो दे डू नॉट केयर और मोटिवेशन कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है सो so, हम लोगों ने पहले देखा एफर्ट इट लीड्स टू परफॉर्मेंस सो अगर आप एफर्ट डालेंगे तो उससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा एंड परफॉर्मेंस इट विल लीड टू एन आउटकम आउटकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये चीज को समझाती है फिर जो लास्ट वेरिएबल इस uh, थ्योरी के अंदर है दैट इज वैलेंस अब यह बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएबल है और मैनेजर्स कई बार इधर ही गड़बड़ कर जाते हैं नाउ वैलेंस कहता है कि आपको जो आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट डिसाइड कर रहे हैं क्या वो इतना लुभावना है वो रिवॉर्ड के वर्कर्स को उसकी जेनुइनली उसकी चाहत है वर्कर्स रियली वांट दैट रिवॉर्ड दे वांट के अरे वाह हमें दिस रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज वेरी मीनिंगफुल टू अस और इसके अदर हैंड भी आप जो पनिशमेंट अपने वर्कर्स को बोल रहे हैं ड पनिशमेंट इज सच के वो वर्कर्स के अंदर एक बिकॉज सी फियर इज ऑल्सो मोटिवेटर्स वर्कर्स दे ट्राई टू अवॉइड सर्टन काइंड ऑफ पनिशमेंट वो भी एक मोटिवेशन होता है तो अगर आपने अपने वर्कर्स को जो पनिशमेंट देने की बात कर रहे हैं इफ दे के नॉट अचीव द टारगेट्स या फिर वो अपना परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाए तो क्या उनको डर लगता है उससे या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वैलेंस इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अ सेकेंड लेवल आउटकम जो सेकंड लेवल आउटकम में उनको रिवॉर्ड या पनिशमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं वो उनको कितना जरूरी या कितना नहीं जरूरी फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वर्कर्स आपने आपने दस घंटे काम किया और सौ यूनिट बनाए तो आपको और अगर आपने दो घंटे और काम किया तो दो घंटे काम करने के बाद जो आप बीस यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ पगार नहीं मिलने वाला बस पूरा मैनेजमेंट खड़े होके ताली बजाएगा और आपको शाबाश बोलेगा वर्कर्स बोलेंगे भाई हम दो घंटे अपना खून पसीना लगा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में खाली आप ताली बजाओगे तो नहीं चाहिए भाई ऐसी ताली वहीं पे अगर 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 आप आप वर्कर्स को अगर आप बोलते हैं कि आपने यूनिट नहीं बनाए घंटे के अंदर तो बदले में कुछ नहीं होगा हमकारी कितना खराब काम किया ऐसे करके आपको बस क्रिटिसाइज करेंगे देर विल बी नो फाइनेंशियल पनिशमेंट देर विल बी नो आपको कोई एबसेंट मार्क नहीं किया जाएगा रेप्रीमांड नहीं किया जाएगा हम बस आपकी कड़े शब्दों में निंदा करेंगे वर्कर्स बोलेंगे यार करते रहो जितनी भी निंदा करनी हमको उससे क्या फर्क पड़ता है तो ये जो वैलेंस वाला वेरिएबल है ना यही ये, ये इस थ्योरी की ब्यूटी है क्योंकि यहीं पे मोटिवेशन छुपा हुआ है नाउ वैलेंस जो है इट रेंजेस फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन नाउ पॉजिटिव वैलेंस जो होता है इट इंक्लूड्स बींग रिस्पेक्टेड बाय फ्रेंड्स के आप अपने वर्कर्स को अगर ये रियलाइज करोगे अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे आपके को वर्कर्स आपके फ्रेंड आपकी कंपनी आपकी इज्जत करेगी आप एक मीनिंगफुल काम कर रहे हैं आपको जॉब आपकी जॉब और पक्की होती जाएगी यू विल वैल्यूल मोर एंड अर्निंग मोर एंड मोर मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली नेगेटिव बैलेंस वो होता है विच इंक्लूड्स द थिंग दट एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू अवॉइड कि भाई अगर आप ढंग ढंग से काम नहीं करोगे ठीक से काम नहीं करोगे तो भाई आपकी नौकरी जा सकती है यू माइट बी लेड ऑफ और या फिर चलो नौकरी आपकी नहीं जा रही तो आपको प्रमोशन के लिए आपकी जगह फिर किसी और को प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर अगर आप ड्रंक बिहेवियर करते हैं वर्क प्लेस पर पे अगर बदतमीजी करते हैं दारू पी के आते हैं अगर अपने कोवर्कर्स के साथ बदतमीजी करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा एंड एन आउटकम इज वैलेंस ऑफ जीरो वेन इंडिविजुअल इज इनडिफरेंट अबाउट इट अभी जैसे मैंने बोला कि कोई बोलते हो कि ठीक है अगर आपने बहुत अच्छा काम कर लिया तो हम ताली बजा देंगे वर्कर्स बोलेंगे यार हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब आप ताली बजाओ कि नहीं बजाओ हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर से एक बार आपको समझाता हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हो आप एफर्ट डाल रहे हो उससे क्या परफॉर्मेंस अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये परफॉर्मेंस से आपको क्या अवार्ड मिलेगा और क्या ये जो आउटकम है ये जो अवार्ड है जो रिवॉर्ड है या फिर जो पनिशमेंट है वो वर्कर्स को कितना एक्साइट करती है या कितना उनको अवॉइड करने के मजबूर करती है कि नहीं भैया हमको नौकरी से नहीं निकलना है हमको काम से नहीं बाहर जाना है हमको प्रमोट होना है हमारे को किसी और को मौका नहीं देना है। इसी के लिए ये जो चाहत होती है ये होती है वैलेंस तो मैनेजर्स जब अपना प्लान बना रहे होते हैं मोटिवेशनल प्लान रहे, बना रहे होते हैं उस समय आ, उनको ये बात का ध्यान रखने का कि जो वैलेंस हो वो वर्कर्स के टेम्परामेंट को देख के जो हम अवार्ड अपने वर्कर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं या पनिशमेंट अपने वर्कर्स को बता रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो उनको जिसकी जिसकी उनको कुछ वैल्यू हो वैलेंस हो जिनकी तो मोटिवेशन कैसे बनता है इस थ्योरी के हिसाब से नाउ मोटिवेशन बनाने के लिए ये तीनों वेरिएबल्स को एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी वैलेंस इसको आप एक मिक्सी में डाल के जब घुमाते हैं आप एक इसका जो घोल बनाते हैं इसको चर्न करते हैं इससे आपका मोटिवेशन बनता है मतलब सबसे पहले हम क्या चाहेंगे हमारे वर्कर्स के अंदर हाई एक्सपेक्टेंसी हो इट शुड बी नियर टू वन

और रिवॉर्ड तो मिल रहा है पर वो रिवॉर्ड की हमें कोई कीमत नहीं है दे आर टू द रिवॉर्ड तो ये वापस से मोटिवेशन जीरो हो जाएगा सो इफ एनी ऑफ दिस वेरिएबल्स इज लो मोटिवेशन इज लाइकली टू बी लो नाउ इफ एन एम्प्लॉय थिंग्स दैट इट इज प्रली इंपॉसिबल टू फॉर इम टू परफॉर्म देन मोटिवेशन टू परफॉर्म टेंस टू बी लो अगर वर्कर को लगता है कि भाई मैं कर ही नहीं सकता हूं मुझे जो टास्क दिया गया है वो बहुत मुश्किल टास्क है या मेरे पास जो इक्विपमेंट है जो मशीनरी है वो टास्क के लायक नहीं है तो उनका मोटिवेशन जीरो हो जाएगा चाहे आप उनको कितना भी अच्छा रिवॉर्ड प्रॉमिस कर दो कितना भी अच्छा अवॉर्ड प्रॉमिस कर दो उनको लगता है कि साहब मैं कर ही नहीं पाऊंगा या फिर अगर कोई इंसान सोचता है पर्सन थिंग्स दैट आउटकम्स आर नॉट लिंक टू परफॉर्मेंस कि मेरे को जिस पैमाने पर मापा जा रहा है वो मेरी परफॉर्मेंस से कहीं है ही नहीं मेरे को ये देखने की जगह कि मैं कितना प्रोडक्टिव काम किया है कितना अच्छा काम किया है मेरा कितना क्वालिटी काम किया है मेरा मैनेजर उस बेसिस पे मुझे देख रहा है कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती या मैं अच्छे से कपड़े पहनता हूँ कि नहीं पहनता हूँ तो अगेन द पर्सन विल थिंक कि मैं कुछ भी कर लू मेरे मैनेजर को तो मुझसे प्रॉब्लम ही है भाई तो मेरी परफॉर्मेंस का कोई फायदा ही नहीं है अगेन मोटिवेशन विल बी लो या फिर

और ये जो अवार्ड हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे मैजिक छुपा हुआ है कि जो हम अवार्ड अपने वर्कर्स के लिए डिसाइड करते हैं जो रिवॉर्ड्स अपने वर्कर्स के लिए डिसाइड करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो वर्कर्स को पसंद हो इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि वर्कर्स का भी ओपिनियन इसमें लेना चाहिए वट इज एक्टली डू डिजायर डू दे वॉन्ट मनी डू दे प्रमोशन डू दे वॉन्टन डू दे वॉन्ट रिकोगनाइजेशन उन्हें क्या चाहिए उस चीजों को देख के वर्कर्स को मैनेजर्स को अप्रोप्रिएट मोटिवेशन पैकेज डिजाइन करना चाहिए अक्सर मैनेजर्स बहुत अच्छा मोटिवेशन पैकेज बनाते हैं बट ऐसे रिवॉर्ड देते हैं जो वर्कर्स को पढ़ी नहीं है ना फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल में होता था कि वहां पे अगर आप क्लास में फर्स्ट आते थे या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में अगर जीतते थे तो बदले में आपको एक स्टील का कटोरा दे दिया जाता था या स्टील का ग्लास दे दिया जाता था अब हम स्कूल के बच्चे थे हमको एक ग्लास की कटोरों की इन चमचों की हमको कोई कदर नहीं होती थी तो इसलिए हम सोचते थे यार क्या फायदा कोई इवेंट जीते या कोई टूर्नामेंट जीते या कोई हम लोग कोई जीते उसका क्या फायदा वहीं पे हम ये बोलते थे कुछ भी नहीं हो तो एक मेडल देते दस बीस रुपए का एक मेडल देते हमको पेपर का सर्टिफिकेट मिल जाए तो वी वुड फील मोर मोटिवेटेड इनफैक्ट मेरे को स्कूल के जो इक्का दुक्का सर्टिफिकेट मिले हुए हैं मैंने आज भी अपने फाइल में संभाल के संजो के रखे हुए हैं तो ये देखना चाहिए कि हम किसको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको उस जो हम रिवॉर्ड उनको प्रॉमिस कर रहे हैं उसकी उनको कितनी कदर है ठीक है तो रिवाइज कर लेते हैं थ्योरी ये थ्योरी यही बोल रही है कि अगर आप आपके वर्कर्स को आपको यह समझाना है हमेशा कि अगर आप एफर्ट डालते हो तो एफर्ट से परफॉर्मेंस होगा दिस इज एक्सपेक्टेंसी परफॉर्मेंस अगर आप करते हो तो उससे आपको फर्स्ट लेवल आउटकम मिलेगा आपका जो आपने जो टारगेट अचीव किया कि नहीं किया विच इज योर युमेंटालिटी और इसके बेसिस पे यू विल गेट योर सेकंड लेवल आउटकम्स विच इज योर य्ड्स और योर पनिशमेंट एंड वर्कर शुड ट्राई टू गेट अचीव गेट द सेकंड लेवल आउटकम्स विच इज ऑब्वियसली वी वुड वॉन्ट टू गेट एज मेनी रिवॉर्ड एज दे कैन Now uh, let's uh, take a look at the appreciation of the theory. First of all, this theory it provides clear guidelines for increasing employee motivation by altering the person's expectancy, instrumentalities and outcome valance, valencies. मतलब कि ये theory clear कुछ बताती है कि अगर अपने employees को आपको motivate करना है तो क्या हमें actually में करना चाहिए किस तरह से workers को motivate करे so that we develop an expectancy in them कि अगर आप काम करेंगे तो आप आपका एफर्ट जो है आप जो मेहनत करते हैं आप आप जो श्रम करते हैं उससे परफॉर्मेंस अपना टारगेट टारगेट अचीव अचीव कर पाएंगे वो अचीव करेंगे तो निश्चित आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो रिवॉर्ड ऐसा होगा जो आपको पसंद है तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस देती है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए देर आर मेनी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन ऑफ दिस थ्योरी फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो जीटीयू के मेरे स्टूडेंट्स टीएमआई एम के मेरे स्टूडेंट्स है हमारी, उनके उनके लिए खास जो हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर पे टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर जैसे बताया कि किस तरह से हम एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी वैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं वर्कर्स में बढ़ा सकते हैं सो दैट वी गेट मैक्सिमम मोटिवेशन आउट ऑफ आर वर्कर्स फॉर एक्साम्पल एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए एक्सपेक्टेंसी में हम क्या करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू इंक्रीज द बिलीफ इन द एम्प्लॉज कि अगर आप जो भी काम करते हैं यू आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब सक्सेसफुली आप वो काम को अचीव कर सकते हैं वो काम को अच्छे से कर सकते हैं उसके लिए वी विल सिलेक्ट पीपल विथ रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेजेस इनफ टाइम दीजिए रिसोर्स दीजिए एंड सिंपल और फ्यूअर टास्क दीजिए एम्प्लॉय को एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स के जिन एम्प्लॉय ने अभी तक सक्सेसफुली टास्क किया है तो उनको एक अच्छा रोल मॉडल बनाइए काउंसलिंग दीजिए कोच कीजिए अपने एम्प्लॉयज को सो so दैट उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप दिस विल इंक्रीज दर एक्सपेक्टेंसी देन इंस्ट्रूमेंटालिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं टू बिलीव अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको वैल्यूड आउटकम्स मिलेंगे तो उसके लिए जॉब परफॉर्मेंस जो है उसको एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए ऑब्जेक्टिवली मेजर करना चाहिए क्लियर कट वर्कर्स के माइंड में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट आउटकम्स विल दे गेट इफ दे डू अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस एंड बैलेंसेज जो लास्ट हमारा जो वेरिएबल है उसको इंक्रीज करने के लिए दैट गिव द द एम्प्लॉय दैट दे वैल्यू एंड इंडिविजुअल रिवॉर्ड दीजिए सो दैट वर्कर्स फील मोर एंड मोर मोटिवेटेड

इट कंसिडर्स दैट एम्प्लॉय सिर्फ इम्पलसिवली एक्ट नहीं करते हैं कि भाई हमें सिर्फ हमारी जो बेसिक नीड्स है हमारी जो इंस्टिकल नीड्स है उसके सिवाय भी आ, हर एक इंसान को अपनी आ, एक अपना अच्छा बुरा सोचने का अधिकार है इट इज अ मॉडल विच वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी हर एक इंसान की हर एक वर्कर की डिग्निटी का ध्यान रखता है ये थ्योरी ये मॉडल This theory also assumes that the employees do not act on the basis of strong internal drives, unmet needs, or the or the applications of satisfiers or dissatisfiers. जो हमने पहले की theories में जो देखा ERG theory या Maslow's theory या Herzberg theories, जिसमें हमने बोला इंसान सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि वो unsatisfied है या उसको अपनी कुछ needs पूरी करनी है। ये theory ये मानती है कि workers achievement के लिए भी, खुद की खुशी के लिए भी और एक rational logical तरीके से काम करना pursue करते हैं। This theory

Uh, तो कई ये थ्योरी में ये कहा गया है कि वर्कर्स रैशनल होते हैं बट uh, अक्सर uh, कंपनियों में ये भी देखा गया है या लाइफ के अंदर भी कई बार ये चीज नोट की जाती है कि हम कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जिसके हमने कुछ बहुत सोच विचार के हमने फैसला नहीं लिया होता है हम कुछ विचार अपने दिल से लेते हैं एंड वी इसलिए ये बात मानना कि हर इंसान अपना अच्छा भला सोच के अच्छा बुरा सोच के फैसले लेता है ये हमेशा ये बात सच नहीं होती लोग अक्सर डिसीजन लेके उसको जस्टिफाई या उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जैसे ये चार चार वेरिएबल समझना उसका रिलेशनशिप समझना मोटिवेशन समझना तो ये सामान्य तौर पे ये बहुत जिस तरह से मास्लो की थ्योरी है बहुत सिंपल है बोल दीजिए कि भाई पांच कैटेगरीज ऑफ नीड्स होती है या हजबक की थ्योरी देख लीजिए तो दो क्लासिफिकेशन आपने बता दिए या तो नीड अचीवमेंट थ्योरी में आप बोल देते हैं कि भाई आपको या तो प्यार चाहिए पावर चाहिए या सक्सेस चाहिए बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जिसमें आपको रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स स्टडी करना पड़ता है दिस थ्योरी एज अ लिमिटेड यूज बिकॉज इट टेंस आर क्लियरली ये थ्योरी वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे आप क्लियर कट उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से वर्कर्स को समझा सकें आप इतना एफर्ट डालोगे तो इतनी परफॉर्मेंस मिलेगी इस परफॉर्मेंस का आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा बेसिकली क्वांटिफाइबल सिचुएशन के अंदर ये थ्योरी चलती है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको आप मेजर नहीं कर पाते या मेजर कर भी सकते हो तो ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते तो का मुश्किल हो जाता है एंड uh, एक लास्ट जो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का रहा है दैट इज दैट मैनेजर्स दे यूजुअली डू नॉट है कॉम्प्लेक्स मोटिवेशनल सिस्टम ऑन द जॉब अगर हम फ्रेंकली आप और मैं भी अगर आपस में बात करें तो ठीक है ये सब थ्योरी के अंदर सब चीजें बहुत अच्छी लगती है कि हम वर्कर्स की नीड्स के हिसाब से मोटिवेशन प्लान बनाए बहुत अच्छा प्लान बनाए उनको समझाए एफर्ट्स और उसका लिंकेज समझाए एफर्ट और परफॉर्मेंस का लिंकेज समझाए बट रियल लाइफ के अंदर जब काम चल रहा होता है व्हेन द शो इज गोइंग ऑन नोबडी बडी इज द टाइम और नोबडी इज द इनक्लेज टू डू दैट सो मैनेजर्स वो जब जब आग लगी होती है उस समय तो बस यही होता है कि फटाफट अपना काम पूरा करे टारगेट पूरा करे अपने गोल्स को अचीव करे सो so, इसलिए ये थ्योरी कभी कभी वहां पर इतनी सक्सेसफुल नहीं होती इसी के साथ हम इस थ्योरी को यहीं पे समाप्त करते हैं आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अगर तो मासलो थ्योरी एग्जाम में नहीं आती है तो दिस इज वन थ्योरी जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पूछ ली जाती है या अगर प्रोसेस थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा अगर आपके क्वेश्चन पेपर में तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो एग्जामिनर्स पूछते हैं सो दैट्स द रीजन थोड़ा आपको पेशेंटली मैंने समझाने की कोशिश की है फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो बिकॉज आई नो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक uh, यूज करना पड़ेगा थोड़े वेरिएबल्स और वो सबको समझना पड़ेगा और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट uh, करके मुझे पूछ सकते हैं आई विल बी एबल टू आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं इसका कुछ किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर एक फॉलो वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं आई डू दैट फॉर यू एंड अगर यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन एंड कमेंट एक छोड़ दीजिए इवन इफ छोटी सी इमोजी या कोई भी आपका एक वर्ड का कमेंट भी छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वीडियो को ऊपर पुष्ट करता है यूट्यूब तो दिस विल हेल्प मोर एंड मोर यूजर्स टू लर्न विथ मी थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेकअप नेक्स्ट थियोरी ऑफ मोटिवेशन